हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस क्रेन के बारे में बात करने वाला हूं कि ये क्रेन काम कैसे करता है, कितना लोड उठा सकता है और इसका प्राइस क्या है। ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा क्रेन है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी पूरी बॉडी जो है लोहे की बनी हुई है। आप देख सकते हैं पूरा नीचे तक पूरा लोहे से कवर है और हमारे बिल्डिंग से अटैच कर रखा है। बिल्डिंग से इसलिए अटैच कर रखा है कि कहीं भी किसी तरह का डिफेक्ट या फिर कहीं टूटे फूटे नहीं, या फिर ये मुड़ न जाए। लोहा होता है ना कभी कभी, क्या आपने देखा होगा कि ज़्यादा हाई पे अगर कोई लोहा होता तो मुड़ जाता है, तो इसके लिए सपोर्टिंग है कि यहाँ पे काफ़ी सारे एंगल लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं वो जहाँ पे हमारा मेन जो हमारा ऑपरेटर बैठता है वहाँ पे मोटरें, दो मोटर बड़ी बड़ी लगी हुई है। ये मोटर मोटर के साथ में दो गियर कनेक्ट है, दो गियर काफ़ी बड़े बड़े गियर कनेक्ट हैं। गियर की वजह से हमारा लेफ्ट राइट ये मूव होता है। और आप ये पीछे की साइड देख सकते हैं, ये सीमेंट के बने हुए बड़े बड़े ऐसे पत्थर रखे गए हैं ताकि हमारे तरफ ये दोनों साइड का रोड मेंटेन हो। जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि बताऊंगा इसके बारे में, एक सारी चीज़ बताऊंगा इसका इंजन कैसे काम करता है, क्या करता है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो हमारा ऑपरेटर है उसकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों सैलरी की बात करें तो जो अगर सैलरी मंथली बेस पे देखा जाए तो इनकी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये होती है। और इनका जो पैकेज होता है 8 से 10 लाख रुपये साल का इनका पैकेज होता है। और इसकी कीमत की बात करें तो कीमत लगभग 60 से 70 लाख रुपये इसकी कीमत है। नीचे का जो हमारा नीचे का पोर्शन है वो उसको हटाकर अगर उसको लगाया जाए आप, तो उसके बिल्डिंग अगर कोई बन रही है तो उसमें एक्स्ट्रा लोहा अपने हिसाब से ऐड किया जा सकता है, चाहे उनके हिसाब से कि कितनी बिल्डिंग में नीड है वो अलग से लगाया जा सकता है। दोस्तों लोड की बात करें तो 20 टन तक का ये लोड उठा सकता है, जो कि 20 टन बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आपको अनुमान लग गया होगा कि जो हमारा क्रेन है कितना इसमें खर्चा आता है खरीदने में। लोहे की बात बता दी मैंने आपको, और जो